इसके लिए हमें चाहिए बोनलेस चिकन। यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है और इसे अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है। साथ में हमें चाहिए अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट टोटल 1.5 चम्मच, और चाहिए धनिए का पत्ता जिनको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, चाहिए कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, नमक स्वादानुसार, काला नमक चाहिए 1/2 चम्मच से भी कम, और चाहिए थोड़ी सी गरम मसाला 1/4 टीस्पून। अब चाहे हमें दही, यहाँ पर मैंने 3 चम्मच दही लिया है, और चाहिए 1 चम्मच सरसों का तेल। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे जो चिकन है वो अच्छे से मैरिनेट हो जाए। और इसे मैरिनेट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि चिकन को हमें सॉफ्ट करना है, इसे हमें जल्दी जल्दी पकाना है, तो मैरिनेशन के द्वारा हम इसे सॉफ्ट कर लेंगे। तो ये चिकन मैंने मैरिनेट कर लिया है, अब इसको ढक्कन लगा देंगे और इसे कम से कम 1 घंटे के लिए साइड में रख देंगे। फिर हमें चाहिए मैदा, लिया है मैंने 2 कप, और साथ में 1 कप आटा लिया है, ये ऑप्शनल है आटा, आप चाहे तो ना डालें। शुगर यानी कि चीनी चाहिए 1 चम्मच, और चाहिए थोड़ी सी नमक। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर देंगे पहले, क्योंकि ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, इसे पहले अलग से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद इसमें डाल देंगे तेल, यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच तेल लिया है, आप घी ले सकते हो या फिर कोई भी वनस्पति का इस्तेमाल कर सकते हो। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि ये थोड़ी सी क्रमली बन जाए, यानी कि ब्रेड क्रम की टेक्सचर में आ जाए। फिर इसमें थोड़े थोड़े पानी डालते हुए इसे गूंथ लेंगे और सेमी सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। तो एक ही बार में ज़्यादा पानी ना डालें, थोड़े थोड़े पानी डालते रहिए और इसे मिक्स करते जाइए, तभी आपको सही अंदाज़ा मिलेगा कि कितना पानी इसमें डालनी चाहिए। तो इसे मिक्स कर देंगे, और यहाँ पर मैंने एक सेमी सॉफ्ट सा डो बना लिया है, इसे भी ढककर 30 मिनट्स के लिए साइड में रख देंगे। तो ये जो चिकन है वो 1 घंटा मैरिनेट हो चुके हैं। अब 1 चम्मच की मदद से इसके बीच में गड्ढा बना लेंगे, क्योंकि अब हमें दूसरे प्रोसेस में जाना है। तो बीच में एक कटोरी डाल देंगे और फिर इसमें डाल देंगे जलता हुआ कोयला, और ऊपर से डाल देंगे 1/2 चम्मच से भी कम घी, क्योंकि इसे अभी हमें धूंघट देना है और ये प्रोसेस बहुत ही ज़रूरी है काठी रोल बनाने के लिए। तो इसे ढककर 5 मिनट रख देंगे। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हो इसका कलर काफ़ी चेंज हुए लग रहे हैं। तो बीच का जो बर्तन है यानी कि जो कटोरी है उसे निकाल लेंगे और इसे 1 चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। अब हमें चाहिए स्क्यूअर्स यानी कि काठी। काठी रोल बिना काठी के तो नहीं बन सकती, तो इस काठी के अंदर जो मैरिनेटेड चिकन है उसको इस तरह से लगा देंगे, क्योंकि अभी हमें तंदूर की प्रोसेस करना है। तो घर में सभी के तंदूर तो होते नहीं हैं, तो इसलिए बिना तंदूर के ही हम आज इसको तंदूर की फ्लेवर में बनाएंगे, जिसका पहला प्रोसेस धूंघड़ हमने कर लिया है। तो ये सब मैंने तैयार कर लिया है। अब एक पैन गरम कर लिया है जिसमें 1 चम्मच मैंने तेल डाल लिया है, इसमें ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं होती है। इसके ऊपर डाल देंगे मैरिनेटेड चिकन स्क्यूअर के साथ। गैस का फ्लेम इस समय मीडियम रखें और पूरी प्रोसेस में ये मीडियम में ही रहेंगे, और मीडियम फ्लेम पे ही हमें इस चिकन को कुक करना है बिना ढक्कन लगाए। तो ये चिकन मैंने रख दिया है, अब इसको हमें कुक करना है जब तक कि ना इसका ऊपर का कलर चेंज हो जाए और चिकन पूरी तरह से सूख जाए, तब तक हमें इसे मीडियम फ्लेम पर कुक करना है। तो ये आप देख सकते हो चिकन कुक हो गए हैं, ये सूख भी गए हैं और इसका ऊपर का कलर भी चेंज हो गए हैं। तो अभी क्या करेंगे, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस चिकन को यहाँ से निकल के साइड में रख देंगे और इसे हल्का सा ठंडा कर लेंगे। फिर
फिर उसी तेल में डाल देंगे कैप्सिकम जूलियन। तेल को हमें वेस्ट नहीं करना है, वैसे भी इस तेल में बहुत ज़्यादा फ्लेवर है, तो उसी तेल में हमें वापस से ये प्रोसेस करना है। तो कैप्सिकम जूलियन डालने के बाद इसे थोड़ी सी चला देंगे और फिर ऊपर से डाल देंगे प्याज जिनको मैंने जूलियंस में काट लिया है। अब इनको हमें थोड़ी सी सॉफ्ट करना है, मतलब इसका क्रंचीनेस जाना नहीं चाहिए लेकिन ये कच्चा भी नहीं होना चाहिए, बस ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। इसके लिए ऊपर से थोड़ी सी नमक स्प्रिंकल कर देंगे और इसे चला देंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर। इसका कलर भी हमें चेंज नहीं करना है और इसे एकदम ट्रांसलूसेंट भी नहीं बनाना है, तो इस बात का ध्यान रखें। फिर इसमें डाल देंगे चिकन। चिकन को इस तरह से स्क्यूअर से निकालेंगे और सीधा पैन में डाल देंगे। अब चिकन को इन सभी के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे और 2 मिनट के लिए चिकन को भी ये जो प्याज और कैप्सिकम है इसके साथ भून लेंगे। वैसे चिकन तो कुक है, इसे हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस थोड़ी सी मिक्स करना है। तो ये तैयार है, अभी इसे गैस को ऑफ कर देंगे और इसे साइड में रख देंगे और ये हल्का सा ठंडा हो जाए तब तक इंतज़ार करेंगे। अब ये डो भी हो गए हैं हमारा 30 मिनट्स, इसे थोड़ी और प्रेस करके गूंथ लेंगे कुछ इस तरह से और फिर इसमें से लोइयां निकाल लेंगे। तो पहले मैं 3 बड़े बड़े लोई निकाल रही हूँ, आप चाहे तो मीडियम भी कर सकते हो लेकिन इसे छोटा ना करें। फिर इसे बेल लेंगे, इसमें थोड़ी सी मैदा लगा लेंगे। मैंने इसमें आटा इसलिए डाला है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग नहीं बनते हैं, जब हम इसे बेलते हैं तो ये बहुत ही अच्छी तरह से बेल के तैयार हो जाते हैं। सिर्फ अगर आप मैदा का बनाएंगे तो एक तो मैदा सेहत के लिए पूरी तरह से अनहेल्दी है और ऊपर से काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इसको बेलने के लिए। तो इसे मैंने एक बार तो बेल लिया है, अब हमें इसमें जो लेयर्स बनाना है, तो लेयर्स तो कई तरीके से बनाए जा सकते हैं लेकिन जो सबसे आसान तरीका है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह से एक साइड को काट लीजिए और इस तरह से घुमाते हुए पहले ऐसा शेप में लाइए, और फिर इस तरह से दबाते हुए ऐसा बना लीजिए, ऐसा गोल बना लीजिए। अब वापस से इसको बेलना है, तो ये बहुत ही आसान तरीका है लेकिन इससे बहुत ज़्यादा लेयर्स नहीं बनते हैं और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कोई भी लेयर दिखते भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये लेयर बनाने की बहुत ही आसान और झटपट सा तरीका है। आपको अगर दूसरा तरीका चाहिए तो आप मेरी पराठे बनाने की रेसिपीज़ में देख सकते हो। इसे बहुत ज़्यादा मोटा ना बेले, बस इस तरह से पतलाई से बेल लीजिए। यहाँ पर मैंने एक तवा गरम कर लिया है और इसमें इस रोटी को इस तरह से डाल देंगे और एक साइड हल्का सा सिक जाने के बाद इसे पलट देंगे। पलटने के टाइम में आपको खुद ही पता चल जाएगा कि एक तरह से एक साइड से सिक गए हैं। अब साइड से इसमें तेल डाल देंगे, ये रिफाइंड ऑयल है, यानी कि जो वाइट ऑयल हम जिसे कहते हैं ये वही है। फिर इसे पलट पलट कर हमें अच्छी तरह से इसको सेकना है तेल के साथ, ज़्यादा तेल इसमें ना डालें। तो आप देख सकते हो इसमें हल्का हल्का बबल्स आ रहे हैं लेकिन इसे हमें फुलाना नहीं है, तो इस तरह से इसे दबाते रहें तो ये फूलेगा नहीं। तो ऐसे दबाते दबाते हुए हमें इसको सेकना है। आप देख सकते हो इसमें हल्का हल्का कलर भी आ रहे हैं बबल्स के ऊपर, तो थोड़ी और कलर गहरी हो जाए तब हम इसे निकाल देंगे। तो दोनों साइड से इस तरह से करते रहे, आप देख सकते हो यहाँ पर बबल्स का कलर काफ़ी गाढ़ा आ गया है, तो अभी इसको निकालेंगे और साइड में रख देंगे। तो इस तरह से मैंने सभी तैयार कर लिया है। अब जो पहला जो काठी रोल है, पहला फ्लेवर का, वो बना लेंगे। तो बीच में इस तरह से फिलिंग डाल देंगे जो चिकन का हमने बनाया है, इसे एकदम सादा ही रखेंगे। तो ऊपर से डाल देंगे कच्चा प्याज, थोड़ी और डाल देंगे, फिर इसमें डाल देंगे धनिया का पत्ता जिनको मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है,
और ऊपर से डाल देंगे नींबू का रस, एक आधा नींबू को स्क्वीज करके ऊपर से डाल दें। तो ये लीजिए, एक फ्लेवर का रोल यहाँ पर बन गए हैं। ये एकदम सादा है, जिन लोगों को सॉस या फिर दूसरा कोई भी पसंद ना हो चटनी वगैरह, तो वो इस तरह से इसको बनाकर खा सकते हैं। तो ये पहला जो काठी रोल है ये तैयार हो गए हैं। अब दूसरा चिकन काठी रोल के लिए बीच में चिकन डाल देंगे, चिकन का फिलिंग्स इसमें ऐड कर देंगे, फिर ऊपर से डाल देंगे टोमेटो सॉस। आप चाहे तो चिली सॉस भी इसके साथ डाल सकते हो, लेकिन ये पहले से ही काफ़ी तीखा है। और ऊपर से डाल देंगे थोड़ी सी प्याज, कच्चा प्याज और धनिया का पत्ता। तो ये लीजिए, ये तैयार हो गए हैं दूसरे फ्लेवर वाले चिकन काठी रोल। इस तरह से इसको पेपर से मोड़ देंगे। तो ये भी तैयार है। अब बना लेंगे तीसरे वाले चिकन काठी रोल। ये फ्लेवर मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसके लिए भी चिकन फिलिंग्स डाल देंगे इसके बीच में। फिर इसमें ऐड कर देंगे बहुत ही कम कच्चा प्याज, बिल्कुल थोड़ी सी धनिए का पत्ता, और ये है मेयोनीज, और साथ में हमें चाहिए हरी चटनी। मैंने 2 चम्मच मेयोनीज और 1 चम्मच हरी चटनी को मिक्स कर दिया है। इसकी रेसिपी भी आपको मेरी चैनल पर मिल जाएंगे, और फिर ऊपर से डाल देंगे। तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो सारे जो मेयोनीज और ग्रीन चटनी का मिक्सचर है इसे ऊपर से डाल देंगे, और उसे भी सेम प्रोसेस में पेपर के साथ रैप करके तैयार कर लेंगे। और ये तैयार हो गए हैं 3rd फ्लेवर वाले चिकन काठी रोल। तो ये लीजिए, ये भी तैयार है। तो 3 फ्लेवर्स के चिकन काठी रोल मैंने बना लिया है। आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि ये कैसी बनी है। आज की रेसिपी आपको पसंद आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर दबाएं, और ये रेसिपी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।